सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दृष्टि माइनिंग को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। फ्रेंड्स, माइनिंग सरदार ओवरमैन हैंड रिटन नोट्स एग्जामिनेशन सीरीज का है हमारा 44वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज की हमारी और भी वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स हमारी चैनल प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टोन डस्ट के बारे में जानेंगे, उसके अंतर्गत वेंटिलेशन ऑफिसर, फिर कंट्रोल ब्लास्टिंग, प्री ब्लास्टिंग, रेगुलेशन और बायोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, बायोलॉजी कैसे बनाया जाता है, और अंत में हम FLP फ्लेम लीक प्रूफ उपकरण के बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप इन सभी टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान सको और आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक ही पर्पज़ है आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन में हेल्प करना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया हो तो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ एग्जाम से रिगार्डिंग तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हमने पिछला वीडियो एक्सप्लोरर तक लास्ट हमने पिछला वीडियो में कंप्लीट कर चुका था, चलिए उसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं स्टोन डस्ट। चलिए जानते हैं, जिस खान में 50,000 टन कोयला प्रति माह उत्पादन होता है वहां पर SDL एवं बेल्ट कन्वेयर चलाए जाते हैं जिससे कोयले की डस्ट अधिक बनती है। इस खान में स्टोन डस्ट की मात्रा 2.5 kg प्रति टन के अनुसार उपयोग में लाई जाएगी। इसके तिमाही उत्पादन के अनुसार स्टोन डस्ट का खर्च किया जाएगा जिससे हर 3 माह में स्टोन डस्ट जो है 50,000 मल्टीप्लाई 3 मंथ वो 150,000। फिर जो डस्ट की मात्रा है 2.5 kg प्रति, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 376,000 टन की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे निम्न प्रकार का छिड़काव किया जाएगा, चलिए देखते हैं इस प्रकार का छिड़काव किया जाता है। फर्स्ट, प्रतिदिन कहाँ पर किया जाएगा, पिट बॉटम में, लोडिंग पॉइंट में, टिपलर पॉइंट में, रिटर्न साइड में प्रतिदिन स्टोन डस्टिंग की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7 दिन में एक बार, कहाँ पर करेंगे हम, हॉलेज रास्ते में, कन्वेयर बेल्ट रास्ते में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है 1 माह में एक बार कहाँ करेंगे हम, इंक्लाइन रास्ते में करेंगे और ट्रेवलिंग रास्ते में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 माह में एक बार कहाँ पर करेंगे, ओल्ड वर्किंग सील्ड ऑफ एरिया क्षेत्र में 3 माह में एक बार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट स्टोन डस्ट के बारे में, कहाँ पे प्रतिदिन पर किस जगह, 7 दिन पर किस जगह, 1 माह में एक बार किस जगह, 3 माह में एक बार किस जगह स्टोन डस्टिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मेरा है आपको गाइड करना, बताना, हालांकि आपको समझ में आ जाता हो मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर नहीं आता हो तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको एक प्रकार से समझ जाइए कि हम कोचिंग कर रहे हैं तो वो कोचिंग में लिखा कर हमको समझाया जा रहा है, तो आप उससे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा क्योंकि खुद का लिखा हुआ पढ़ने पर ही हमको बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वेंटिलेशन ऑफिसर। चलिए, इसके अंतर्गत वेंटिलेशन ऑफिसर के अंतर्गत 3 इंचार्ज होते हैं। फर्स्ट, डस्ट इंचार्ज, इसके अंतर्गत भी 2 होते हैं, क्लिनिक डस्टिंग मजदूर और वाटर स्प्रे मजदूर। सेकंड, सैंपलिंग इंचार्ज, इसके अंतर्गत 1 होता है सैंपल मजदूर। ठीक है, थर्ड, लेबोरेटरी केमिस्ट, इसके अंतर्गत भी 1 होता है लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। लाइन ड्रिलिंग, इसमें ब्लास्टिंग करने वाले क्षेत्र के बाद एक लाइन से होल बनाए जाते हैं, होलो की गहराई ब्लास्टिंग करने वाले होलो के गहराई के बराबर रहती है एवं एक होल से दूसरे होल की दूरी 2 से 4 गुना
होल के डायमीटर की रखी जाती है। इन होलों को चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रोल ब्लास्टिंग के अंतर्गत लाइन ड्रिलिंग कैसे की जाती है, इसमें ब्लास्टिंग करने वाले क्षेत्र के बाद एक लाइन से होल बनाए जाते हैं और होलों की गहराई ब्लास्टिंग करने वाले होल के गहराई के बराबर रहती है और एक होल से दूसरे होल की दूरी 2 से 4 गुना रखी जाती है, होल के डायमीटर रखी जाती है और इन होलों का चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर रॉ वाइज 1, 2, 3 लाइन वाइज इसमें होल किया जाता है और फिर इसके बाद जो डिस्टेंस है 2 से 4 गुना होल के डाया के बराबर रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्री स्प्लिटिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। प्री स्प्लिटिंग में जहां तक ब्लास्टिंग होनी है उस सीमा पर 6 से 12 गुना होल के डायमीटर की दूरी पर होल उतने ही गहरे बनाए जाते हैं जितने की ब्लास्टिंग के लिए बनाए गए हैं। इसमें कम बारूद चार्ज करके मुख्य ब्लास्टिंग के पहले ही ब्लास्ट करके जमीन को फाड़ दिया जाता है जिससे ब्लास्टिंग होने वाला कंपन वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट जानते हैं हम रेगुलेशन और बॉयलेज में क्या डिफरेंस होता है, चलिए जानते हैं। रेगुलेशन माइंस एक्ट की धारा 7 रेगुलेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेशन माइंस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स धारा 57 ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन, ताकि माइंस प्रबंध कामगारों की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, अनुशासन, दुर्घटनाओं को रोकना, कार्य करने की विधि, वेंटिलेशन आदि के प्रावधान होते हैं। कोयला निकालने का कार्य सुरक्षात्मक एवं तकनीकी दृष्टि से उचित रूप से होता है। रेगुलेशन जो है कोयला खान की सभी खानों पर लागू होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रेगुलेशन कैसे बनता है और यह किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और यह किन प्रकार की खानों पर लागू होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बायलॉज, चलिए जानते हैं बायलॉज के बारे में। बायलॉज खान के मालिक, मैनेजर, एजेंट आदि चाहे तो या चीफ इंस्पेक्टर अपेक्षा करे तो खान में किसी खास मशीन के उपयोग के संबंध में या खान में कार्य करने की किसी विशेष पद्धति को अपनाने या ग्रहण करने के लिए ऐसे बायलॉज का प्रारूप बनाएंगे और चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे जो इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए रेगुलेशन या रूल्स जो उस समय के लागू के विरुद्ध नहीं होना चाहिए एवं जिन्हें खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर एक्सीडेंट रोकने के लिए और खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन के लिए जरूरी समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यह था रेगुलेशन और बायलॉज के बारे में डिफरेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FLP। FLP फुल फॉर्म होता है फ्लेम लीक प्रूफ, फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, चलिए इसको जानते हैं। ऐसा यांत्रिक विद्युत उपकरण जो कि उसके अंदर ज्वलनशील गैस के विस्फोट को बिना किसी क्षति के सह सकता है तथा उससे विस्फोट की ऐसी लपट बाहर निकलने से रोक देता है जो उपकरण के आसपास मौजूद गैस में आग लगा सके, ठीक है फ्रेंड्स। FLP उपकरण इसे कहते हैं, ऐसा यांत्रिक विद्युत उपकरण जो कि उसके अंदर ज्वलनशील गैस के विस्फोट को बिना किसी हानि के रोक सकता है और जो उससे लपट निकलती है बाहर, उस विस्फोट की ऐसी लपट बाहर निकलने से रोक देता है जो उपकरण के आसपास मौजूद गैस में आग नहीं लगा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। इस डेफिनेशन को आप ठीक से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बनावट कैसी होती है, चलिए जानते हैं FLP उपकरण की। FLP उपकरण इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि उसके अंदर गर्म गैस का विस्फोट हो भी जाए तो विस्फोट के धक्के से प्रकोष्ठ बॉडी ना टूटे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ढक्कन का फ्लैंज 25 mm चौड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट ढक्कन लगाने के बाद फ्लैंज अंदर 5 mm ACB एयर सर्किट ब्रेकर में तथा 0.15 mm OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर में इससे ज़्यादा दरार गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट फ्लेंज के बीच में ग्रीस या पैकिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ढक्कन पर बोल्ट ऐसे लगाए जाने चाहिए कि उसे विशेष आना से ही खोला जा सके, उसे अनाधिकृत व्यक्ति ना खोल सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उपकरण में बिजली के केबल लगाने वाले बॉक्स में कंप्रेस्ड भरकर उसे सील किया जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। FLP उपकरण की बनावट कैसे होती है, इन सारे पॉइंट को हमने अभी जाना। चलिए नेक्स्ट चलिए उपयोग देखते हैं माइंस में, यह FLP उपकरण किन जगहों पर उपयोग किए जाते हैं। FLP उपकरणों का उपयोग माइंस में निम्न जगहों पर किया जाना चाहिए। फर्स्ट डिग्री गैसी खान में सभी रिटर्न रास्तों पे FLP उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड डिग्री गैसी खान में सभी रिटर्न रास्तों में FLP उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फेस से इंटेक तरफ 90 मीटर पीछे तक, ठीक है फ्रेंड्स, 90 मीटर पीछे तक FLP उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड डिग्री गैसी खान में सभी रिटर्न रास्तों में फेस से इंटेक तरफ 270 मीटर पीछे तक FLP उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रथम डिग्री गैसी सीम की खान के रिटर्न रास्ते में लगाए जाने वाले सभी बिजली की लैंप की फिटिंग FLP होगी, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय एवं तृतीय डिग्री की गैसी सीम की खान में लगाए जाने वाले लैंप की फिटिंग पूरी खदान में FLP होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने कंप्लीट जाना FLP उपकरण लैंप लीक प्रूफ अपरेटस के बारे में, इसकी बनावट कैसी होना चाहिए, इसका उपयोग माइंस में किस किस जगह पर किया जाता है, ये हमने कंप्लीट जाना, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यूअर। चलिए जानते हैं फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यूअर में नमी सोखने वाला रसायन का नाम है कैल्शियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एवं चारकोल। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड को ठंडी गैस में बदलने वाला रसायन कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ताप सोखने वाला रसायन पोटेशियम फास्फेट। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम सॉलिड ब्लास्टिंग से कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। अगर फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहां पर माइनिंग सरदार ओवरमैन और गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न नोट्स वीडियो आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं इसी तरह की न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।